तो आज का मुद्दा है कि जो मुर्गियां आपके पोल्ट्री फार्म पे मर जाती हैं उनको कुत्तों को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस मुद्दा है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर हमारे ये गलतियां कर रहे हैं, वो उनके फार्म की जो मोर्टैलिटी है वो सीधा उनको कुत्तों को डाल देते हैं। अब मैं आपको साधारण सी बात आपको बताता हूं कि अगर किसी फार्म पे मोर्टैलिटी हो रही है तो ये 99% तो यही है कि वो किसी बीमारी से मरा है, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज है या वो वायरल डिजीज है। 1% हो सकता है कि वो चोट से या किसी और वजह से, लेकिन 99% से भी ज़्यादा की रेशो होती है कि जो वो बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज से मरा है। आप जब उन बर्ड को कुत्तों को डाल देते हैं तो वो कुत्ते आपके फार्म पे ही नहीं, वो दूसरे पोल्ट्री फार्म पर भी जाते हैं, और ऐसा नहीं कि आपके फार्म से दूसरे पोल्ट्री फार्म पे, बल्कि दूसरे पोल्ट्री फार्म से भी आपके पोल्ट्री फार्म पर आते हैं, और वहाँ की जो बीमारियाँ आपके फार्म पे और आपके फार्म की बीमारियाँ दूसरे फार्म पर फैलाते रहते हैं। दोस्तों, ये हो सकता है कि आपको लगता है कि हम किसी जीव का पेट भर रहे हैं, अच्छी बात है, आप ये काम करिए, लेकिन आपको रोटी या कुछ और खिला दें वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको लगता है कि मुर्गे हमने इनको खिलाने हैं, या लेयर बर्ड है या पेरेंट बर्ड है या कुछ और भी आपको उनको खिलाना है, तो आप एक बर्तन में पानी डाल के उसको खूब देर उबलने दें और उसमें ये जो अपने मरे हुए बर्ड हैं उनमें डाल दें, ताकि उन मरे हुए बर्ड में बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाएं जो उबलने के बाद, तो वो बर्ड थोड़ा ठंडा हो जाए जब, वो उनको डाल दें ताकि वो उसको खाए। लेकिन फिर भी एक आदत तो आप डाल ही रहे हैं ना कि आवारा कुत्ते आपके फार्म पे कम से कम कुछ खाने तो आ रहे हैं। आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, सामने वाला पोल्ट्री फार्म वाला अगर नहीं ले रहा तो वो क्या होगा, उसके फार्म की बीमारी आपके फार्म पे ले आएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि कोशिश करिए कि इन मुर्गों को अगर आपने किसी कुत्ते को खिलाना भी है तो अपने पोल्ट्री फार्म पे तो कभी मत खिलाइए भूल के भी। कुत्तों का आना जाना जितना हो सके दूर ही रखिए। पालतू कुत्ता आपके पोल्ट्री फार्म का है, जो आपके पोल्ट्री फार्म पर ही रहता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिए वो भी आप उबाल के उसको ठंडा करके आप दे दीजिए। थोड़ी मेहनत है लेकिन इसके परिणाम आप पोल्ट्री फार्म पे देखेंगे कि बैक्टीरियल और वायरल डिजीज जो कुत्तों की वजह से आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों, कल आपको फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और पोल्ट्री के रेट आपको बताने के लिए फिर आएंगे, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ये हमारी एक छोटी सी फीस समझ लीजिए इसको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।